हाय दोस्तों, कैसे हैं आप? जी हाँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपने घर में सेफ और सुरक्षित होंगे, और रहना भी चाहिए। हमें अपने सेफ्टी खुद अपने हाथों से करनी चाहिए। गवर्नमेंट भी हमारे साथ में है, लेकिन हमें भी खुद ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ठीक है, सो वेलकम बैक टू माई चैनल लर्न इंग्लिश विद ज्योति टी। तो आपका मेरे चैनल में स्वागत है। माई नेम इज ज्योति, है ना। तो नेक्स्ट मैं आपके सामने आज फिर से कुछ नए सेंटेंसेस एंड फ्रेजेस लेके आई हूँ, और मुझे पूरा यकीन है आपको पसंद आएंगे, विच आर वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी स्मार्ट एंड वेरी स्टाइलिस्ट। जी हाँ, उससे पहले मैंने जो पार्ट वन बनाया था थैंक यू से रिलेटेड ही मैंने आपको सेंटेंसेस बताए थे, तो आज भी मैं थैंक यू से रिलेटेड ही सेंटेंसेस और फ्रेजेस बताने जा रही हूँ। जी हाँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगे। सो डोंट वेस्ट टाइम, शुरू करते हैं। आई अप्रिशिएट इट, मैं आपकी सराहना करता हूँ, मैं आपकी सराहना करती हूँ कि आपने मेरी हेल्प करी। नेक्स्ट, यू आर माई एंजल, आप मेरे फरिश्ता हैं, जो आज आपने मेरी हेल्प करी, तो आप मेरे लिए फरिश्ता हैं, आप मेरे सामने फरिश्ते की तरह हैं। ठीक है, नेक्स्ट, आई एम वेरी थैंकफुल, मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ आपका कि आपने मेरी हेल्प करी। नेक्स्ट, My gratitude knows no bounds. मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं कि आपने मेरी हेल्प करी। मेरे लिए खुशी का आज कोई ठिकाना नहीं कि आपने मेरी हेल्प करी। My gratitude knows no bounds. Okay. Next, I don't have words to thank you. Okay. Next, I don't know how to thank you. मैं आपका कैसा, मुझे नहीं पता है कि मैं आपको कैसा शुक्रिया करूँ, इन शब्दों में शुक्रिया करूँ। ठीक है, बोथ आर वेरी इंटरेस्टिंग, बोथ आर सेम, जैसे भी हो आप ऐसे भी बोल सकते हैं इन एनी सिचुएशन। ओके, नेक्स्ट, हाउ कैन रिपे यू, मैं आपने जो मेरी हेल्प करी, मैं कैसे इसका रिपे कर सकता हूँ, मैं कैसे इसको रिपे कर सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट, यू आर वंडरफुल, आप अद्भुत हैं, सच में आप अद्भुत हैं, आपने, मैंने तो आपसे बोला भी नहीं और आपने आके मेरी हेल्प कर दी, सच में यू आर वंडरफुल। ठीक है, नेक्स्ट, यू आर वंडरफुल। नेक्स्ट, हाउ, थैंक्स फॉर एवरीथिंग, जी हाँ, आपने जितने भी मेरी मदद करी, जितने भी मेरी हेल्प करी है, उस सब के लिए थैंक्स, थैंक्स फॉर एवरीथिंग, आपने जितने भी मेरी हेल्प करी है, जितने भी आपने मेरी मदद करी, उन सब के लिए थैंक्स। ठीक है, नेक्स्ट, प्लीज एक्सेप्ट माई डीपेस्ट थैंक्स, प्लीज एक्सेप्ट करिए मेरी जो, मैं अपने जो गहराइयों से जो आपको थैंक्स बोलूँ, प्लीज आप Please accept my deepest thanks. जी हाँ, मुझे लगता है जो ये sentences हैं, इनफैक्ट आई फील, मैंने किया है, मैंने यूज भी कर रहे हैं, ये बहुत ही, इतना अगर आप इनको यूज करेंगे अपने थैंक्स और थैंक यू के रिप्लेसमेंट में, तो उनको बहुत ही अच्छा लगेगा, उनको लगेगा कि वाकई में मैंने बहुत ही सही इंसान की हेल्प करी जो वाकई में नीडी था, मैंने सच में उसकी हेल्प करी जो वाकई में नीडी था, और वो सोचेगा कि मैं नेक्स्ट टाइम फिर से, मैं इसकी, मुझे हेल्प करनी चाहिए, आई शुड हेल्प यू, फिर से नेक्स्ट टाइम फिर से मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए। तो मैं आपसे कहना चाहूंगी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज एक बार ये सारे सेंटेंसेस अपने थैंक यू और थैंक्स के रिप्लेसमेंट में जरूर यूज करिए, देखिएगा आपको खुद में ही बहुत ही अच्छा लगेगा, और जिससे आप यूज करेंगे वो भी बहुत खुश हो जाएगा कि मैंने सच में एक नीडी पर्सन की हेल्प करी है और मुझे करना चाहिए। और मैं आपको एक नई चीज और बताना चाहती हूँ कि थैंक्स और थैंक यू में क्या डिफरेंसेस है। जी हाँ, थैंक्स और थैंक यू में क्या डिफरेंसेस है, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ थैंक एंड थैंक यू। जी हाँ, थैंक्स आप उन्हें बोल सकते हैं जो कि आपसे छोटे होते हैं और आपसे के फ्रेंड्स होते हैं, उनको आप थैंक्स बोल सकते हैं, और थैंक यू आप उन्हें बोल सकते हैं जो कि आपके रिस्पेक्टेबल होते हैं। जी हाँ, जस्ट लाइक अ प्रिंसिपल, बॉस,
टीचर एंड प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ठीक है, जो कि आपके रिस्पेक्टेबल हैं, आपके घर में आपके पेरेंट्स, आपके अंकल, ठीक है, आपके ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, उनको आप थैंक यू बोल सकते हैं, ठीक है, और थैंक्स उनको बोल सकते हैं। कहने को तो आप दोनों यूज कर सकते हैं, पर ये डिफरेंसेस है दोनों में। कभी कभी कंफ्यूजन होता है ना, थैंक यू बोलो थैंक यू बोलो, थैंक्स बोलो या थैंक यू बोलो, तो इन दोनों के बीच में आप ये डिफरेंसेस हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट में आई होप आपको कैसा लगा होगा वीडियो, मुझे पूरा यकीन है कि आपको अच्छा लगा वीडियो लगा होगा वीडियो। नेक्स्ट में आपके सामने फिर से अपना नया वीडियो लेके हाजिर होंगी, तब तक के लिए बाय।